हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकार का मुखिया कौन होगा, उसका फैसला आज हो रहा है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती कड़े सुरक्षा घेरे में जारी है। इस बीच हरियाणा चुनाव की मतगणना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। शुरुआती रुझानों में जो पार्टी सबसे आगे चल रही थी, उसी पार्टी को अब जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। खबर लिखे जाने तक बीजेपी का पलड़ा हरियाणा में भारी दिख रहा है और कांग्रेस पीछे होती जा रही है। 10 बजे तक के रुझानों में कांग्रेस 35 सीटों पर पहुंच गई थी, जबकि बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही थी। लेकिन अचानक से हरियाणा चुनाव का नंबर गेम क्यों बदल रहा है, इसके पीछे की वजह राजनीतिक जानकार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के दांव को मान रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक हरियाणा में बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती और आजाद समाज पार्टी कांशी राम के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर का प्लान काम करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ वोट कटवा साबित हो रहे हैं। सियासी पंडितों का ये भी कहना है कि बीजेपी के खिलाफ जाट वोट एकजुट नहीं हो पाए हैं, ना ही बीजेपी के विरोध वोट एकजुट हुए हैं, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। बता दें कि तमाम एग्जिट पोल में हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की जीत का दाव किया था। अनुमान लगाया था कि इस बार बीजेपी हरियाणा की सत्ता में वापस नहीं आएगी, लेकिन रुझानों में ये दावे गलत साबित हो रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।